हुकूमत से क्या हुकूमत आपके लिए क्या करे? और हमारी तो हुकूमत से अपील है और तआवुन चाहिए हुकूमत से। गवर्नमेंट कोई भी आती है, ये नहीं कि ये हो ये भी रहे, कोई भी हुकूमत आती है उनसे अपील है हमारा हक हमें दे दें, हमें वो नहीं भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक दे दें। सेकेंड नंबर पे जो एक्स जेंडर का कार्ड है उसके नीचे जो डेफिनेशन है उसको हटा दिया जाए, एक्स को हटा दिया जाए, और एक तो ट्रांसजेंडर लिखा जाए या लोगो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जो लोगो है वो दिया जाए। क्या आपको लगता है कि हुकूमत आपकी ये अपील सुनेगी? कोशिश देखें, कोशिश करने से हमेशा कामयाबियाँ मिलती हैं और कोशिश से ही लोग फतह करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। आई एम नयाब अली, आई एम ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट। तो कितने अच्छे से आप माशाल्लाह जद्दोजहद कर रही हैं इनके लिए? जी मुझे 10 साल हो गए हैं और मैं पाकिस्तान की वाहिद ख्वाजा सरा हूँ जिसको 4 आलमी अवार्ड मिले हैं डिफरेंट हुकूमतों की तरफ से इंटरनेशनली। तो किस तरह शौक हुआ आपको इस जज्बे में? देखें बहुत सी ज़िंदगी के पर्सनल इंसिडेंट होते हैं। एक ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ था मेरे साथ जिसमें मेरे पर एसिड अटैक हुआ था, और उस दौरान मुझे जब मैं बिस्तर मर्ग पे थी तो मुझे टाइम मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूं कि मैं अगर मेरी ज़िंदगी बच जाती है तो मैंने कुछ ना कुछ जो है वो ख्वाजसरा कम्यूनिटी के लिए करना है। और वो तमाम महरूमियाँ, घर से निकाले जाना, स्कूल और कॉलेज में बुरा सलूक होना, नौकरियों का ना मिलना, मुआशरे का बुलिंग हरासमेंट, और वही तशद्दुद वही वायलेंस की कहानी जो कि सब ख्वाजा सराओं की है। तो वो जब इंसान पे खुद पे गुजरती है तो वो एक अपने आप को एसोसिएट कर पाता है। आई एम ब्लेस्ड इनफ कि आई एम एजुकेटेड, सो डेट्स व्हाई आई स्टार्ट वर्किंग फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। के अच्छा जो मेरे पास प्रिविलेज है तालीम का, वो मैं अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी की ज़िंदगियाँ उससे बेहतर कर सकूँ। और आज आप देखते हैं जो ये प्राइड का इनॉग्रेशन हो रहा है, प्राइड जो हो रही है, प्रोटेस्ट भी एक ये दो चीज़ें ना, प्रोटेस्ट भी है और प्राइड भी है। तो प्राइड इस चीज़ की है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोटेक्शन मैकेनिज़म मौजूद है जो कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को ना सिर्फ हिफाजत करता है बल्कि उनके बुनियादी हकूक की भी हिफाजत करता है, जिसमें उनको नौकरियों का हसूल, जिसमें जो है वो प्रोटेक्शन सेंटर्स का क्याम, कोटा, सेपरेट किदार और ये तमाम की तमाम सहूलियत। और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट इस वजह से है कि मुल्क के अंदर हुकूमत ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, अब आवाम जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद की एक लहर चल पड़ी है, 76 कत्ल हो चुके हैं पिछले 3 सालों में, तो उनको रोका जाए। तो जो है वो ये चीज़ें जो है वो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड वी आर वेरी होपफुल। हुकूमत तआवुन कर रही है आपके साथ? जी बिल्कुल। आप 3 सालों में जो आपने प्रोग्रेस ट्रांसजेंडर की देखी है, शायद इससे पहले तो आप नाम भी ना सुनते हो, अगर आज ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ जो है वो एक प्रेस क्लब के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट और गवर्नमेंट के 2 नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, तो डेफिनेटली इट्स समथिंग दैट गवर्नमेंट शोज सॉलिडारिटी विद अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम सबागुल है, मैं ट्रांस अलाइज इंडा सॉन्ग और तड़प और गीत संगीत की प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद से। तो माशाल्लाह अब तक क्या किया आपने इन ख्वाजा सरा के लिए, अपने बहन बनी के लिए? देखें जी, जहाँ तक रहे मेरे अपने लोगों की बात, ये मेरे अपने लोग हैं और मैंने सिर्फ इनको नहीं लीड किया, मैंने मुस्तहिक लोगों को लीड किया। मैंने यतीम बच्चियाँ 318 बच्चियों की शादी करवाई और उसके बाद फ्री डिस्पेंसरियाँ खोली जहाँ मेरे ट्रांसजेंडर जो है वो फ्री इलाज करवा रहे हैं। उसके बाद कोरोना में मैंने 25,000 लोगों को राशन दिया। अब यानी कि मैं जो कर रही हूँ प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, यानी कि वो बिस्तर दे रही हूँ साथ राशन दे रही हूँ। तो किस तरह जज्बा हुआ आपके दिल में कि खिदमत खड़ा की जाए? मैं कहती हूँ अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह जो मेरी ज़िंदगी है मेरे अपने लोगों के लिए मुझे अता कर, मुझे जो भी है जैसे, चाहे उनका करेक्टर गलत है ठीक है, पर वो मेरे जैसे दिखते हैं, वो मेरे जैसे लगते हैं। तो माशाल्लाह ज़िंदगी भर मैंने बैगिंग नहीं की, कोई फंक्शन नहीं किया, एक बिजनेसमैन थी, बिजनेसमैनी से आगे बढ़ते बढ़ते जैसे मेरे अंदर एक जज्बा आता था, एक शौक होता था, तो मेरे माँ बाप ने, मेरे भाइयों ने, मेरे ख़ानदान वाले लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू जी, शुक्रिया।